बेहतर या कमतर सोशियो इकनॉमिक बैकग्राउंड रखता है उन सब को कामयाब होना चाहिए तो इस सबसे पहले तो ये कि दुनिया इस गैप को ख़त्म करना चाहती है हाउ डज़ इट अफ़ेक्ट अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन देखिए हम फिर वापस आएंगे एक बच्चा जो इस दुनिया में आता है वो बराबर के हकूक़ बराबर की सलाहियतें लेकर आता है उसे एक मुकम्मल और बेहतरीन इंसान होने का हक है इस हक को देने के लिए पूरी दुनिया में बहुत सी ऐसी तहरीक ऐसी मूवमेंट्स चली जिनमें से एक नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड भी है जो 2002 और 2015 में दोबारा इसको बेहतर किया गया अब नो चाइल्ड लेफ़्ट बिहाइंड हमें यह कहता है कि दुनिया में कोई बच्चा ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसको उसकी सलाहियतों के मुताबिक तालीम ना मिले अब इसमें कौन कौन सी चीज़ों को कैटर किया गया सबसे पहले स्टूडेंट्स इन पावर्टी वो बच्चे जो गरीब हैं उनको भी अर्ली चाइल्डहुड या इब्तदाई तलीम देनी चाहिए स्टूडेंट्स ऑफ कलर हमारे यहाँ तो मसला नहीं हम तो पहले ही पाकिस्तान के अंदर मुख्त, एक हमारा रंग है या मुख्तलिफ रंग हों इकट्ठे होते हैं तो हमारे यहाँ रंग का मसला नहीं लेकिन पूरी दुनिया में रंग का मसला है काले हैं गोरियर गोरे हैं या और रंगों के सो so वो कहते हैं कि जिस रंग का भी कोई इंसान है उसके हकूक़ भी उतने ही हैं जितने के किसी दूसरे इंसान के स्टूडेंट्स हो रिसीव स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज, अब हर बच्चा तो बराबर की तख्लीकी सलाहियतें नहीं रखता या जहनी सलाहियतें नहीं रखता तो फिर क्या किया जाना चाहिए कई बच्चे स्पेशल भी होते हैं या जिसको हम कहते हैं डिफरेंटली एबल एबल बच्चे भी हैं कि उनकी कुछ सलाहियतें जो हमें दिखती हैं उसके अलावा उनकी कुछ और सलाहियतें हैं तो उन लोगों को भी ई की सर्विसज़ में शामिल किया जाना चाहिए या ओवरऑल एजुकेशन सेक्टर में दोज विद लिमिटेड इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स अब पूरी दुनिया में इंग्लिश प्रिवेल कर रही है तो आपने देखा है जैसे एक डिजिटल डिवाइस डिवाइड थी कि भाई पहले एक ज़माने में लोग कहते थे ये गरीब मुल्क है या अमीर मुल्क है अब ऐसा है कि लोग कहते हैं के पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी है और इस मुल्क के पास या कौम के पास कम टेक्नोलॉजी है तो वो एक हम उसको डिजिटल डिवाइड कहा करते थे लेकिन लैंग्वेज के बेसिस पे भी बहुत सी तफरीकात हुई हैं हम आज तक अंग्रेज़ी का जो शहर है उससे निकल नहीं सके क्योंकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है अब हर शख्स को अगर कोई किताब या नॉलेज या आपके ये जो गैजेट्स हैं वो अंग्रेज़ी ज़बान में आपको मिलेंगे इंग्लिश में मिलेंगे तो आपको अगर जब तक तो उसकी समझ नहीं है तो आप भी माशरे का साथ नहीं चल सकते तो फिर क्या है हम इसको चाइल्ड डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है पहली बात तो ये है कि टेक्नोलॉजी जो है उसको अप्रोप्रिएटली यूज़ करने के लिए हमें अपने बच्चों के लिए खुद प्रोग्राम बनाने चाहिए अपना टी वी चैनल बनाने की ज़रूरत होती है अगर टी वी चैनल आपके पास है तो आप पे उस पर अच्छे प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत है और अपने कल्चर को अपनी ज़रूरियात को और अपने बच्चों के जो कॉन्टेक्स्ट है उसको मद्द नज़र रखते हुए हमें ऐसे प्रोग्राम बनाने चाहिए जिसमें वो हमारी रवायात को सीखें और दुनिया के बहुत से जो कॉन्सेप्ट हैं साइंस है आर्ट्स है ह्यूमैनिटीज है इन इन पर भी वो अबूर हासिल करें तो फिर इसलिए हम जैसा कि पाकिस्तान के अंदर हो रहा है हमारी न, नेशनल पॉलिसीज़ ने भी टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और जितने आपके हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं या इसी इसके जो आ, रूम्स हैं उन सब में Uh, कोशिश ये की की है गवर्नमेंट ने कि कंप्यूटर्स और मुख्तु टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स जो हैं या फैसिलिटीज जो हैं वो मौजूद हों तो हम समझते हैं कि एक मखसूस वक्त बच्चों को टेक्नोलॉजी के साथ दिया जाए और वो वो ख़ास तौर पर प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड और डोनीटेड हो मतलब आपको पता हो स्कूल के अंदर भी और घर में भी कि आपका बच्चा क्या कर रहा है क्या देख रहा है किस तरह की वीडियोज़ देख रहा है और किस तरह की साइट्स को अप्रोच या एक्सेस कर रहा है ऐसे बहुत से तरीके हैं कि हम अपने बच्चों की जो सर्फिंग है या इंटरनेट पे उनका जाना है उसको मॉनिटर कर सकते हैं तो इस तरह के तरीके अख्तियार किए जाएं और टेक्नोलॉजी के जायज़ फ़ायदे हासिल किए जाएं तो अब टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के चार तरीक़े हैं ख़ासतौर पर एक तो वो जिसमें बच्चे पैसिव रहते हैं जैसे टीवी देख लिया सुन लिया म्यूज़िक वगैरह कुछ इंटरैक्टिव हैं जैसे हम गैजेट्स पे गेम्स वगैरह देखते हैं कुछ कम्युनिकेशन रिलेटेड हैं जैसे वीडियो चैटिंग या सोशल मीडिया और आखिर में कुछ कंटेंट क्रिएशन से ताल्लुक़ रखते हैं जैसे यूजिंग डिवाइस टू मेक डिजिटल आर्ट और म्यूजिक सो वी हैव टू मेक डिमार्केशन हाउ कैन वी लेट आवर स्टूडेंट्स यूज टेक्नोलॉजी और कैसे हमने उनको टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने नहीं देनी